गजल मार रहे भाई दोनों मेरे तुम तो Hey guys, Crazy Gamer is back another exciting video. और guys, आज तुम्हारा भाई बहुत ही दिनों के बाद रेंडम के साथ गेम प्ले ला चुका है। और भैया इस वाले गेम प्ले को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि भाई इस वाले गेम में आप लोग को 1v4 1v3 क्लचेस देखने को मिलेंगे हर जगह पे। और भैया रेंडम के रिएक्शन तो बिल्कुल खतरनाक देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब इनकी पेटी बन जाएगी ना, जब ये माइक खोलेंगे। और मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, और बाकी के जो 3 रेंडम प्लेयर्स हैं ये बहुत खतरनाक वाले प्रो प्लेयर हैं, इसलिए भैया सब अकेले अकेले उतर रहे हैं। मैंने बोला कि भैया मेरे साथ चलो, लेकिन कोई नहीं आया मेरे साथ। लेकिन यार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारे बंदे अभी मेरे पास आने वाले थोड़ी देर के बाद। अब सामने की तरफ मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया है, मतलब ये वाले अपार्टमेंट में, तो फटाफट रश करते हैं इसके ऊपर। और एक बंदे ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि भैया फुल M4 के साथ खेलो, तो यार तुम्हारे लिए देखो मैंने ट्राई किया था, सुबह मैं उसी के साथ खेल रहा था, लेकिन चिकन ही नहीं हो रहा था भाई, गेम नहीं निकल रहा था, इसलिए गेम प्ले नहीं आ पाया। ये वाला वीडियो जो है ये M4 ग्लेशियर के साथ में है, लेकिन यार चिंता मत करो, कल मैं आप लोग के लिए पक्का फूल के साथ वीडियो लेके आऊंगा। और आप लोग को M4 ग्लेशियर या लिजार्ड या फिर फूल पसंद है, फटाफट कमेंट करके बताओ। Please recall me. ये सही है, बना लो, हाँ देखो जहाँ पर मैं उतरा था वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे थे, लेकिन सामने की तरफ बिल्कुल गदर वाली फाइट हो रही है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखो। Excellent work. I need a mag. I need a muzzle. दोनों मरे देना भाई, हेलो भाई, हेलो दोनों भाई, भाई वेट, हेलो हेलो, वॉच आउट, ओके डन।
I'm really sorry. अब देख मार देख दिन मार देख देते हैं वो तो पागल पर उड़ा यार तो कब से अरे देख बाबू देख लेते हैं देख लेते हैं यार यार देख यार देख 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 भाई थर्ड नंबर के साथ में इसके दोस्त लोग बैठे और ये अपने दोस्तों को भी बता रहा है देख ग्लेशियर वाली पेटी देख ग्लेशियर वाला टीममेट भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहा है लोंडा मेरे को तो आधी भाषा समझ में ही नहीं आ रही अब उधर उन बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि भैया फर्स्ट नंबर के पास में एक बंदा रहता है लेकिन स्मोक में तो मेरे को कोई नहीं दिखता फर्स्ट नंबर फिर बोलता है कि भैया सामने की तरफ बंदा है और इतने में मेरे को ये बग्गी दिख जाती है तो फटाफट पीछा करते हैं इसका तो चलो भाई फाइनली इसी के साथ इस बंदे की यहाँ पे हम लोग पेटी बना देते हैं ये बंदा अपने टीममेट को रिकॉल करने जा रहा था अब देखो इस बंदे की पेटी बनाने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं पोचिंकी में लेकिन पोचिंकी में हम लोग को कोई भी नहीं दिखता उतने में भी हम लोग को सामने वाले रिकॉल टावर पे कुछ बंदे दिख जाते और देखो अब इन बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग पोचिंग के से निकल जाते हैं क्योंकि भैया वहाँ पे जोन नहीं रहता और हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बंदों को चेक करने के लिए और तभी अरे भाई मुझे लोड करना था तो लोड आ ही नहीं रहा कैसे लोड होगा हेलो भाई दो नंबर भाई बता दो कहाँ से लोड होगा गजली मार रहे भाई दो नंबर तुम तो लगा लिए क्या देख रहे हो भैया ये कौन सी तारीफ है भाई मतलब पहले तो इतनी अच्छी तारीफ करी फिर उसके बाद कहता है बंदा कि हैक वैक लगा लिए क्या भाई देखो ये बात गलत है बिल्कुल अब वहाँ पर मेरा एक किल चोरी हो जाता है उसके बाद मैं बंदों को ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच जाता हूँ और तभी मेरे को सामने की तरफ एक सरकारी ड्रॉप दिखता है तो मैं जा रहा था उधर ही साइड लेकिन इतने में यहाँ पे मेरे को कुछ बंदे मारने लगते और एक बाइक भी आती है देखो भाई क्या ही मांग रहे हो तुम मैं भी अरे
तो चलो गाइस इस वाले गेम में तो भैया हमारी पेटी बन जाती है, लेकिन अब बात करते जरा इस वाले गेम की। तो अभी हम लोग खेल रहे भैया डुओ वर्सेस स्क्वाड, आए हैं पोचिंकी में, और भैया इस वाले गेम में उससे भी ज़्यादा किल हैं और उससे भी खतरनाक खतरनाक क्लचेस हैं। तो भैया यहाँ से वीडियो को स्किप मत करना, सामने बंदा है। अब ये वाली टीम तो हम लोगों ने काफ़ी इजी वाइप कर दी, लेकिन भैया अब जो सामने की तरफ टीम है ना वो बिल्कुल खतरनाक टीम है। बस देखना यहाँ पे क्या ही सीन होंगे। अब भाई साहब लोंडे ने हेलमेट ही उड़ा दिया भैया आते ही। तो चलो यहाँ पे ये वाली टीम भी क्लियर हो चुकी है, अब देखते हैं पोचिंग में बंदे हैं या नहीं। नहीं होंगे तो निकलेंगे, अगर होंगे तो फिर लड़ना पड़ेगा यार। अब यार देखो इन बंदों की पेटी पुटी लूट के मैं पीछे की तरफ आता हूँ बोट पेलने के लिए, लेकिन भैया तभी मेरे टीममेट को सामने की तरफ से कोई नॉक कर देता है। चलो सामने वाले बंदे का तो किल चुरा लिया है, फटाफट अपने टीममेट को रिवाइव देते हैं। रिवाइव देने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, सामने बंदा रहता है जिसने मेरे टीममेट को नॉक किया था। अब बारी है उसको उड़ाने की, देखते हैं जरा उड़ता है कि नहीं। Watch out! अब यहाँ पे मैं इस बंदे को पेल तो देता हूँ, लेकिन भैया अभी स्क्वाड हाउस में भी कुछ टीम आ चुकी है, पता नहीं वहाँ पे कितने बंदे हैं, लेकिन हाँ एक बंदा तो मेरे को दिखा था। अब यहाँ पे पहले रहते हैं दो बंदे, लेकिन जिस बंदे को मैंने अभी पहला, ये बंदा अभी बग्गी से आया था। चलो इसी के साथ इस बंदे की भी पेटी बना दी है, और ऊपर एक नॉक और पड़ा है, उसको फिनिश करते हुए निकलते हैं। अब इन बंदों की पेटी बनाने के बाद हम लोग जा रहे थे आगे की तरफ गैराज में गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग को बग्गी से जाना नहीं था, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ देखने को मिलता हमको। ये कैंपर देखने को मिलता भैया, क्या ही खतरनाक तरीके से कैंप कर रहा था। पोचिंग से निकलने के बाद हम लोग अपार्टमेंट जाते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में हम लोग को कोई भी बंदा नहीं मिलता, लेकिन हम लोग को रिकॉल टावर पे कुछ बंदे दिख जाते हैं। स्मोक वगैरह भी हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी रोकते और तभी
अब यहाँ पे ये लास्ट बंदा था, इसके बाद यहाँ पे कोई भी बंदे नहीं रहते, तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद सीधा जाते हैं पीछे ड्रॉप लूटने के लिए, और ड्रॉप लूटने के बाद वापस से हम लोग अपार्टमेंट आते हैं, और इस बार हम लोग को अपार्टमेंट में कुछ बंदे दिख जाते हैं। अब यहाँ पे रहती तो दो तीन टीम है, लेकिन भैया पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो ही किल मिलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से जोन में निकलते फटाफट। और जोन में निकलने के बाद हम लोग को यहाँ पे भैया आते एक स्क्वाड दिख जाती है। यहाँ पे मेरे को तीन किल मिलते हैं, एक बंदा जो है सामने की तरफ से किसी ने पेल दिया है, और उस बंदे का मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा आएगा नहीं मेरे हिसाब से। तो तो चलो भाई फाइनली इस लास्ट बंदे के साथ में हो जाता है हमारा इजी चिकन डिनर। तो गाइस आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, एक कमेंट जरूर करना कि आप लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।